की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उसने जनता को धोखा देने का काम किया, बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जिन परिवारों के सदस्य, जिन परिवारों ने खोए हैं, उनकी दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। वो परिवार आज भी बिखरे हुए हैं, आज भी उन परिवारों के बीच में दुख है, और इस सरकार ने उनकी जरूरत पड़ने पर कोई मदद नहीं की। जहां दवाई का इंतजाम हो जाता, बिस्तर का इंतजाम हो जाता, हॉस्पिटल्स में बेड का इंतजाम हो जाता, ये सरकार नाकाम रही। और ऑक्सीजन जिससे जान बच जाती, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है, और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। अभी मिर्जापुर में मैंने सुना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनकी सरकार के लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक बिजनेस है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, तो सोचिए पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर प्यार दिखा रहे हैं। पूरे 450 साल इनको बर्बाद किया, इनके लिए कोई फैसला नहीं लिया, ना काम किया, न्याय किया, उत्पीड़न किया, जेल भेजा, और आज जब चुनाव करीब आ रहे हैं, तो उनके करीब जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का धोखा इन वर्ग के लोगों ने देखा है और समझा है। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है, और अगर काम करने की संस्कृति रही होती तो शायद कुछ काम किए होते। आज भी वही समाजवादियों के काम उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं, चाहे वो बड़ा काम हो, छोटा काम हो, समाजवादियों के बनाए हुए काम ही का उद्घाटन कर उन्हीं का फीता काट रहे हैं। और ये जनता को कंफ्यूज करते करते खुद कंफ्यूज हो गए हैं, तभी अपराधियों का स्वागत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार इसी तरीके से समाजवादी पार्टी आने वाले समय में काम करती रहेगी। अभी विज्ञापन में बड़े पैमाने पर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी किस किस चीज में आगे है और नंबर वन है। अगर सही मायने में हम और आप हिसाब किताब लगाएं और सही आंकड़ों को देखें, तो देश के करोड़ों कुपोषित बच्चों में सबसे ज्यादा है, कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं, कुपोषण के शिकार कहीं बच्चे हैं, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सबसे नंबर एक पर है। गंगा में लाश बहाने के में नंबर वन, गंगा के किनारे दफन के किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान अध्यापकों की बलि देने के
मैं नंबर वन उत्तर प्रदेश 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ तीन बताने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी चलवाने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने वादे से पड़ जाने में भी नंबर वन, उत्तर प्रदेश नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में नंबर वन, बेगुनाह लोगों को जेल में डालने में नंबर वन, माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में नंबर वन, महिला सुरक्षा में नंबर वन, विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामी को छिपाने में नंबर वन, कस्टोडियल डेथ जुडिशियल डेथ में नंबर वन, झूठ बोलने में नंबर वन। फिर दोबारा बोल दूं मैं, असुरक्षा में, और वो सुरक्षा कैसी कर रहे हैं वो भी आपको पता है। देश में सबसे ज्यादा कुपोषण के बच्चों में नंबर वन, उत्तर प्रदेश गंगा में लाशें बहाने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे दफन किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान अध्यापकों की बलि देने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ तीन बताने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी चलाने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने वादे से पलट जाने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश बेगुनाह लोगों को जेल डालने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश महिला असुरक्षा में नंबर वन, उत्तर प्रदेश विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामियों को छिपाने में नंबर वन, उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ जुडिशियल डेथ में नंबर वन, नंबर वन। ये तो अभी शुरुआत है, कई चीजों में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस साइकिल के कार्यक्रम में आने के लिए। आज फिर एक बार हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। साथ ही साथ हम अपने नेता जनेश मिश्र जी को याद करते हैं। आज पार्टी कार्यालय से लेकर के हम सभी कार्यकर्ता उनको याद करते हुए उनके पार्क तक जाएंगे। तो ये थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम चीजों में जमकर भाजपा का निशाना साधा। हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है इसलिए लैपटॉप नहीं बांटा। जिस तरीके से 4.5 साल में आपने मुख्यमंत्री जी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने लगाए थे, आज भी पूरे नहीं हो पाए। आज एक नई चीज उन्होंने जानी है, किस बायोलॉजिस्ट से मिले हैं, किस डॉक्टर से मिले मुझे नहीं पता है, शायद वो डीएनए भी नहीं जानते होंगे, आखिरकार डीएनए क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि वो आज वो जहां कहीं भी हों आप अपना कैमरा लगा दीजिए और उनसे पूछिए डीएनए क्या है। तो कोई बात नहीं, नकल से पास कर लें उसमें नंबर वन। और कोई बात हो तो बता दो। वहां पर प्लॉट कटने वाले थे, वो केवल रियल स्टेट वैल्यू उसको क्रिएट कर रहे थे, रियल स्टेट से हमने उसमें पार्क बनाया। और बाकायदा हाई कोर्ट में जब इस बात पे पीआईएल हुई तो कितने पेड़ लगेंगे, संख्या क्या होगी, वो पूरी हाई कोर्ट को उस समय दी गई थी। पूरे उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने बर्बादी की है, नौकरी रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ गई है और लगातार किसानों के साथ संकट पैदा हुआ है। जिस किसान को ये भरोसा दिलाया था, वादा किया था कि आय दोगुनी कर देंगे, आज सरकार आय भी नहीं बता पा रही है।
और महंगाई बढ़ते बढ़ते आज किसान की आय कितनी होगी ये भी तो बता दे भारतीय जनता पार्टी। ये मामले बहुत छोटे हैं कि जेपीएनआईसी नहीं शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इनके घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में सबसे पहला वादा ये था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी 2022 तक। आज उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जिस तरीके से काले कानून आ गए हैं, मंडियां बंद हो गई हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए। और आज भी किसानों के गन्ने का बकाया है, आंदोलन आज भी चल रहा है, जिस जनता ने भरोसा किया उसी जनता की जासूसी कर रहे हैं। तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है। इसलिए आप सब मैंने भी अखबार और टीवी के माध्यम से देखा है, हमने भी बहुत दिन से राजनीति देखी है, बहुत करीब करीब हमारे बगल में भी याद कीजिए एक बैठे थे पिछले चुनाव से पहले, और बीजेपी ने पता नहीं क्या लालच दे दिया था। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, तो पिछड़े तो हम ही हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां एक ओर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है, वहीं पर साफ तौर पर कहा है कि सपा के कार्यों का ही लगातार भाजपा सरकार अब तक फीता काटती आई है। और इसी के साथ फिलहाल इस